पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी दो लड़कियों को गिरफ्तार किया। इन लड़कियों के नाम नताशा और देवांगना बताया जा रहा है। इसी साल फरवरी में दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर CAA के खिलाफ अचानक से महिलाओं की भीड़ जुट गई थी, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में ये दोनों लड़कियां भी शामिल थी, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया। आज दोनों लड़कियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी ही एक स्पेशल ट्रेन 600 से ज्यादा मजदूरों को लेकर जम्मू से छत्तीसगढ़ के चांपा स्टेशन पहुंची, जहां पहले से मौजूद अधिकारियों ने तालियां बजाकर मजदूरों का स्वागत किया। ट्रेन से एक एक कर सभी लोगों को नीचे उतारा गया। ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर ही कुछ लोग मजदूरों के सामान को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। साथ ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया, ताकि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान मापा और सब कुछ ठीक मिलने के बाद बसों से उनके गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर आ रही है। नासिक में कोरोना की वजह से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। नासिक में कोरोना से दूसरे पुलिसकर्मी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मालेगांव में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कुल 1671 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वाले पुलिस वालों की संख्या 19 हो गई। उत्तराखंड के श्रीनगर इलाके में जंगलों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से ये आग अब तक 5 हेक्टेयर जंगल जला चुकी है। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से ये आग पर काबू पाने में मुश्किल आ रही है। इस साल उत्तराखंड के जंगलों में आग की ये पहली घटना है। वन विभाग की तरफ से आग बुझाने की कोशिश जारी है। 2020 का पहली घटना है ये आज, और 5-6 हेक्टेयर जला और हवा ज्यादा होने के कारण आग काबू पर पाया नहीं है, इसलिए और टीम मंगाई जाएगी बाहर से और आग को बुझाने की कोशिश किया जाएगी। तो किस तरीके से यहां पर आग की खबर है। वहीं पुरानी दिल्ली स्टेशन और यूपी के मुगल सराय रेलवे स्टेशन से लूट की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने खाने के पैकेट लूटे, तो वहीं मुगल सराय में प्रवासी मजदूरों ने स्टेशन पर रखी पानी की बोतलें लूट ली। तो ये मजदूर किस तरीके से पुरानी दिल्ली स्टेशन की तस्वीरें, एक मुगल सराय स्टेशन की तस्वीर जहां पर ये मजदूर जो हैं, इन्हें अगर पानी की बोतल दिखी तो उसको लूटने में लग गए, और जहां इन्हें खाने का सामान दिखा, खाने के पैकेट्स दिखे, वहां पर भी लूट मचा दी गई। तो रेलवे स्टेशन पर दरअसल ये लूट मची है, चाहे वो पानी की बोतलें हों या खाने का पैकेट हो, मजदूर उन पर टूट पड़े।